को रिकवर हुई है, अगे इन्हों की पूछगिछ चल रही है। तो यूपीएससी प्रीख्या क्लीयर करने वाले चंडीगढ़ के विद्यार्थियों अज यूटी के होम सैकटरी वालों सम्मानित किया गया। इस ही इन्हों होनहार नौजवानों ने जिथे अपनी सफलता की कहानी बयान की उत ही इम्तिहान लिए मैदान में उतरन वाले होरना विद्यार्थियों कुछ टिप्स भी दिते। सुपने देखता तो हर कोई है पर उन्होंने पूरा करने का हौसला किसी किसी विच ही हुंदा है, क्योंकि इसलिए संघर्ष से दृढ़ निश्चय की लोड़ हुंदी है। इन्हां सब लोगों ने सिविल सर्विसेज में जाने का सुपना देखा सी ते अज सारे ही अपने मुकाम तक पहुंचते हुए देखे जा सकते ने। हालांकि इत्थे तक पहुंचने का सफर आसान नहीं सी, कई रातां जाग के कटनियां पईआं ते कई कुछ कुर्बान करना पिया, पर अज सफर भी मिठा लग रहा है। डॉक्टर अंकिता ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर पूरे देश विच 17वां रैंक हासिल किया। एम्स तो अपनी MBBS की डिग्री हासिल कर उन्हें सीधे ही इसकी तैयारी शुरू कर दी ते पहली बार विच ही एग्जाम क्रैक कर लिया। कि फाइनल ईयर में रूरल पोस्टिंग होती है हरियाणा के कुछ विलेजेस में, तो उस दौरान काफ़ी रूरल इंडिया से काफ़ी फेस टू फेस आई, तब मुझे लगा कि एक डॉक्टर कैन डू क्वाइट अ बिट बट टू टच द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स इन एवरी वे, उसके लिए सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड। तो समझ के पढ़े, ज़्यादा रट्टा ना लगाए, कोरिलेट करे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट, जो चीज़ जनरली इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। सब कुछ नहीं पढ़ सकता कोई भी, सब कुछ कोई नहीं पढ़ सकता, जितनी जितना टाइम है उस हिसाब से प्लान करके पढ़े। उदो ही डॉक्टर ख्याति गर्ग मानती है कि सपने तो देखो पर उन्होंने पूरा करने लिए जी तोड़ मेहनत भी लगा दो। 215वां रैंक हासिल करने वाली डॉक्टर ख्याति गर्ग दिया अखा विच समाज लिए कुछ करने का जज्बा साफ देखा जा सकता है। अपनी दूजी कोशिश विच उन्होंने एग्जाम क्रैक किया तो उन्हों का मानना है कि टाइम मैनेजमेंट वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो सब कुछ किता कराया खूह विच पाउण वाली गल होवेगी। रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल रख पाऊँ, जितने लोगों की हेल्प हो सकती है टू माई बेस्ट करूँ और अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज से अपना काम करूँ। द फर्स्ट की वुड बी हार्डवर्क एंड अ कंसिस्टेंट हार्डवर्क। मुझे लगता है कि किसी एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ के और बाकी दिन बिना पढ़े उससे बेटर है कि आप कंसिस्टेंटली 6-7 घंटे रोज़ पढ़िए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। कंसिस्टेंट वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर ही अपने आंसर्स लिखिए, लंबे आंसर्स लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलते। और इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी गो देयर विद एन ओपन माइंड, किसी प्री कंसेप्शन के साथ मत जाइए। उदय ही मनिंदर कुमार लई इत्थे तक पहुंचने का सफर आसान नहीं सी। जॉब करन दे नाल नाल परिवारिक जिम्मेवारियां, सिविल सर्विसेज लई तैयारी करना बेहद मुश्किल सी, पर उन्हां दी पत्नी ते परिवार ने उन्हां दा बेहद साथ दिता ते अज ओह दिन विच महज 6 घंटे पढ़न दे बावजूद इत्थे पहुंच पाए ने। रहना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने 150 वर्ड्स लिखे हैं तो प्लीज़ किसी भी मैं चाहूँगा कि कोई 200-250 ना अटैम्प करे, एक तो टाइम खराब होंगे, सेकंडली इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। उन्होंने ऑफिसर्स चाहिए ने जिहड़े कि बड़े डिसिप्लिन हो, जिहड़े कि कमांड को चंगी तरह एग्जीक्यूट करना जानते हो, तो जो उन्होंने 150 वर्ड मंगे है तुम 250 दिने, इट गिव्स जस्ट ए इंप्रैशन कि तुम फॉलो ही नहीं किया उन्हें की कहा है, एंड ऑलसो यू लॉस्ट योर टाइम, प्रेशियस टाइम इन द एग्जाम। सो फर्स्ट टिप इज कि प्लीज़ बी वेरी प्रिसाइज इन द वर्ड लिमिट एंड दैन आंसर वट दे है वास्ट। कई बार होंगे कि उन्होंने पूछे कुछ होर होंगे तो आप पूरी हिस्ट्री बायोडाटा आप पूरी बना लग जाने, हाँ जस्ट आप अपनी नॉलेज देने लग जाने, तो इस तरह की चीटिंग नहीं करनी चाहिए उससे पेपर के, बिकॉज एग्जामीनर बड़ा स्मार्ट है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं जो आने वाले बच्चों मैं दूंगा कि साडा टेंडेंसी होंगी कि जिमें ऑप्शनल 5 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे, आप हमेशा अपना पहला क्वेश्चन दूजा क्वेश्चन बड़ा अच्छे वाला लिखते हैं तो 5वां क्वेश्चन खराब कर देते हैं। तो मैं खुद सोचता है, मैं खुद सोचा कि जे मैं इवेल्यूएटर हूँ मैं किमें इवेल्यूएट करता, तो दैन आई डिस्कवर्ड कि मैं हमेशा कैंडिडेट का 5वां क्वेश्चन चैक करता, क्योंकि वो तो टाइम मैनेजमेंट का तैयारी का सारा सार पता लग जाता। मनदीप सिंह ने पंजाबी भाषा में अपने उत्तर दिते पर उन्होंने मानना है कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी ते हिंदी भाषा में आने कारण उन्होंने दिक्कतें आई, पर आखिरकार उन्होंने एग्जाम नु क्रैक कर लिया। पहले नुश निकलनी चाहिए कि जो टॉप नहीं कर सकते, इवन साडा आप देख सकते हैं कि वीके शर्मा जी जो है 4th रैंक निकल गए पंजाबी मीडियम के अंदर, एंड इस तो इलावा जो पंजाबी के अंदर आखिर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती है कैंडिडेट्स के लिए, जो साढ़े लिए जो कॉन्टेंट हैगा सब्जेक्ट मैटर हैगा जो आप स्टडीज करना है, एक्चुअली वी गेट इट इन इंग्लिश और हिंदी, तो एक्चुअली पहले उन्हें कन्वर्जन करनी पैंती है, फिर उसने अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स,
सो पंजाबी लैना जरा है आई थिंक एक तो ये एसेट तो यह है कि साड़ी माँ बोली हैगी एक्सप्रेशन बहुत वधिया है बट सानू एक डिफिकल्टी आती है कि सानू प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता एंड वी हैव टू पुट एन एक्सट्रा एफर्ट आई थिंक जावा तो जी साड़ियाँ पंजाब दियाँ या पूरे देश दियाँ जिन्हें भी साड़ी प्रॉब्लम्स हैगियाँ उसनू सॉल्व किया जाए एंड ईवन जो साडे पॉजिटिव पॉइंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन दे उसनू हाईलाइट किया जाए एंड द पीपल्स क्रेडिबिलिटी इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैज टू बी स्ट्रेंथनड एंड वी हैव टू मेक अ करप्ट फ्री सोसाइटी तेना सब ने अपने सुपने तो साकार कर ले ने ते हुण इन्हां दा स्वाद चखण लई ओ तैयार भी ने ते अज सारयां नू चंडीगढ़ दे होम सैक्रेटरी अनिल कुमार वल्लों सन्मानित भी किया गया कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा दे नाल नेहा सलारिया पीटीसी न्यूज चंडीगढ़ रिपोर्ट के सिलसिले में फिलहाल इन्ना ही कल फिर तो नवी खबर लैके